दोस्तों, यदि आप यूपी टेट परीक्षा में यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं तो प्रतिशत का चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से सिलेबस के अनुसार बच्चे काफ़ी परीक्षा एग्जाम में छोड़ के आते हैं। तो यहाँ पर 7 कॉन्सेप्ट के तहत 12 से 15 क्वेश्चंस हल करवाऊंगा एक चुटकी में। जी हाँ सर, और मज़ा आने वाला है। जिनका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पुअर है, बहुत ज़्यादा वीक है, वो भी परेशान ना हो। जिनका अच्छा लेवल है वो भी इन क्वेश्चंस को देखें कि कैसे कॉन्सेप्ट सिलेबस के अनुसार आते हैं। चलते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर देखिए, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट में आपको पहले बता देते हैं कि यहाँ पर हर 2 विधि बताई जाएंगी हर क्वेश्चन की, आपके दिमाग में सेट किया जाएगा, जिसके लिए गुरुजी वर्ल्ड जाना जाता है। पहला क्वेश्चन लीजिएगा और आपको ऑप्शन से भी बताऊंगा कि करने के लिए, ठीक है ना। यक्ष अगर 25% ज्यादा है दोस्तों 22 है, तो 22 यक्ष से कितने परसेंट कम है। अभी तक ये 5-6 बार क्वेश्चंस इस तरीके के पूछे जा चुके हैं, बस वैल्यू बदल जाती है। वैल्यू से क्या मतलब है, हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए। देखिएगा क्या होता है कि ये अगर यक्ष जो है 25% ज्यादा है 22 से, तो 22 यक्ष से कितने परसेंट कम है। एक कॉपी एक कलम उठा लो, ठीक है। देखिएगा हल करता हूं। अगर माना कि मैंने बोल लिया कि यक्ष जो है और एक बाई है, बोला कि भाई हम तो ये जानते हैं प्रतिशत का मतलब होता है कि 100% में कोई चीज़ ले लेते हैं, तो आपको ये पता है कि अगर यक्ष अगर जो है 25% अगर ज़्यादा है तो हमारा जो बाई है वो 25% कम होगा। अगर बाई जो है हमने 100 ले लिया है तो यक्ष अपने आप 125 हो जाएगा, यानी 25% ज़्यादा कर दिया जाएगा। जैसे अगर हमने बाई हमने 100 ले लिया तो यहाँ पर 125 एक्स की वैल्यू हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि यक्ष जो है 25% ज़्यादा है किससे, बाई से, ठीक है। आपने कहा सर ठीक है, तो हमने कहा इसको जो है काट लिया तो 5 बार गया और 4 बार गया। अब हमने ये देखा कि यक्ष जो है 25% ज़्यादा है, पहली विधि बता रहा हूँ ध्यान देना, यक्ष जो है 25% ज़्यादा है तो यक्ष की वैल्यू जो होती है ये हमेशा नीचे आ जाती है और इनका डिफरेंस हमेशा ऊपर आ जाता है। इनटू परसेंटेज के लिए 100 कर देते हैं और 20 बार गया तो 20 इसका जो है आंसर हो जाएगा। खैर आपके नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं। यहाँ पर दूसरी चीज़ हम यहाँ पर कर लेते हैं कि यार यक्ष जो है यहाँ पर अब काटने वाली वैल्यू नहीं लेंगे। अब बोले कि यक्ष जो है 22 से 25% ज़्यादा है, तो अगर 22 100 है तो 25% अगर ज़्यादा है तो यक्ष 125 हो जाएगा, अपने आप स्वतः हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है। आप कहोगे कि सर 25 है और हमेशा वैल्यू किसकी लेंगे, जो ज़्यादा है वो हमेशा नीचे ले लेंगे। तो 25 अगर हम देखेंगे तो 1.25 होता है, तो हमने 5 से 100 काट दिया, यानी 20% भी इसका आंसर आ गया, पहले में भी आ गया इसमें भी आ गया। तो यहाँ पर अगर सरल कर लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर नहीं सरल किया तो भी कोई दिक्कत नहीं, है ना, आंसर वही आता है। लेकिन अब तीसरा कॉन्सेप्ट ये है हमारा कि हम ऑप्शन से कैसे चेक करें। हमेशा याद रखना कि एक्स अगर 25% ज़्यादा है 22 से, तो याद रखना है कि ये वाली चीज़ देखनी है, यहाँ पर कम कह रहा है या ज़्यादा कह रहा है। तो यहाँ पर ये कहा है कि 22 एक्स से कितना परसेंट कम है, तो दोस्तों कम है, तो यानी इससे जो वैल्यू होगी, यहाँ पर इससे जो वैल्यू होगी वही उससे जो है कम आंसर आएगा। कैसे, अब इन ऑप्शंस में देखिएगा, 60 हटा दो, 70 हटा दो, 25 हटा दो, ठीक है। तो आंसर 25 में कोई ऐसा वैल्यू है जो इसमें कम है, तो 3 तो हमने ऐसे ही हटा दिए और चौथा हमारा आंसर हो गया। लेकिन अगर आपको दिखाई पड़ा कि यहाँ पर 15 है, 15% भी है, तो आपको 2 हो गए ऑप्शन में, तो यहाँ पर आप 2 तो हटा दोगे और 2 में सॉल्व करके भी निकाल लोगे, ठीक है। और चौथा कॉन्सेप्ट यह है कि 25% अगर वैल्यू दी है तो उसका अगर कम परसेंट पूछा है तो उसका 20 हो जाता है, अगर यहाँ पर 20% दिया है उसका ज़्यादा पूछा है तो उसका 25 हो जाता है, ये भी कॉन्सेप्ट है, तो याद रखना कर लीजिएगा। खैर हम यहाँ पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेते हैं। यूपी टेट में बेहतर स्कोर करने के लिए आज ही सब्सक्राइब कर गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी, एक सरकारी सीट आपके विद्यालय में हम चाहते हैं। खैर हम यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट लेते हैं, वैसा यह है कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो ज्ञात करो कि श्याम की आय राम की से कितने परसेंट कम है। तो यहाँ पर बोला है कि 20% अधिक है दोस्तों, 75%, 70%, 25%, 16/2/3%। तो याद रखो कि यहाँ पर मैंने वही पहला वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। पहला वाला कॉन्सेप्ट यह है कि अगर हमने देखा है कि पूछा किसका है कि राम से कितने परसेंट कम है, यानी श्याम से। अब हमने अगर बोला है कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो श्याम की हमने 100 कर ली, तो जब 20% अधिक है तो अपने आप ये हो जाएगी 120, ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 120, तो हमने वो लिख लिया नीचे। यहां पर 120 जो है, यहां पर राम की है तो 120 हमने नीचे रख लिया, और जो भैया यहां का बीच का डिफरेंस था वो भैया 100 से जो है 120 जाएंगे तो हमारा 20 आएगा, तो 20 डिफरेंस आएगा, इनटू 100 कर देंगे। जब हमने देखा कि जो है 20 शंगा 120 होता है और 6 से 100 कटेगा तो 16/2/3 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है। अब यहां पर जरा गौर करना, ऑप्शन पर 20% अधिक है तो यहां पर कम पूछा है, तो यानी 20 से कम ही वैल्यू आएगी, ज्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि यहां पर मैंने आपको एक चीज बताया था, अगर 25 होता तो नीचे जाएगी,
अगर 40 होता तो भी नीचे जाएगी, अगर 20 है तो भी नीचे जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन हटाएंगे तो ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता 20 से, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, इस ये भी नहीं हो सकता, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे माना कि आपसे घुमा के ये पूछ दिया कॉन्सेप्ट नंबर 2 में कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 25% अधिक है, उसे कितने परसेंट कम पर बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि हो। यार बस वही चीज़ है, वही कॉन्सेप्ट है, चाहे वस्तु जोड़ दे, चाहे आय जोड़ दे, कुछ भी जोड़े, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट नहीं बदलना है। कैसे नहीं कॉन्सेप्ट बदलना है कि बोला है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य भैया 25% है, ठीक है। आपने बोला कि अधिक अधिक हो गया 25%, तो भाई अधिक होगा तो कम भी होगा किसी का, तो मैंने एक वैल्यू को 100 मान लिया, है कितना अधिक, तो अपने आप जो है ये वैल्यू 125 हो जाएगी। अब यहां पर बोला है कितने परसेंट कम है, कितने परसेंट कम है, तो ये वैल्यू आप जानते हो हमेशा नीचे जाती है, 125 हो गया और इसका डिफरेंस होता है 25, तो हमने यहां पर लिख लिया 25 पंचे हो गया और इसका भी आंसर 20 आ गया। हमने कहा है अगर 25 है तो उसका आंसर 20 आएगा, क्योंकि अगर कम पूछा जाए, अगर 20 है उसका आंसर अगर ज्यादा में पूछा जाए तो 25 आ जाएगा, तो 20 25 25 20 ऐसे लगाते रहिए, है ना। तो यहाँ पर बहुत उम्दा ट्रिक है, चुटकी में आपको यहाँ पर कोई भी क्वेश्चंस उठाने की जरूरत नहीं, कलम नहीं उठाने की जरूरत है। जैसे यहाँ पर ले लेते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, डबल स्टार में लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर यह पूछा गया है कि एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, फिर जो है 20% बढ़ गई, तो इस प्रकार कुल आय में कितनी वृद्धि हुई। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 2% की बात करी है, पहले भी बढ़ी दोबारा भी बढ़ी, तो एक सूत्र होता है, एक फार्मूला होता है, पहले तो जो बच्चे लगा लेते हैं वो यहाँ पर ट्राई करें वीडियो को रोक के इन ऑप्शंस में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले का परसेंट 2% दिया है, प्रथम परसेंट द्वितीय परसेंट प्लस प्रथम परसेंट इंटू द्वितीय परसेंट बटे 100। अब कैसे, इतना तो बड़ा ध्यान नहीं रख सकते हो, तो हमें क्या है, हमें यही करना है कि अगर 2% दिया है, बढ़ी का मतलब होता है प्लस, याद रखना हमेशा बढ़ी का मतलब प्लस होता है, और कह दे घटी का मतलब होता है तो माइनस, ठीक है। ये सवाल आगे करने वाले हैं। और एक चीज़ पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देता हूँ सबका, अगर प्लस प्लस है तो प्लस हो जाएगा, अगर माइनस माइनस है, गुणे की बात कर रहे हैं, अगर इनका गुणा किया जाए तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस है तो फिर भैया प्लस हो जाएगा, अगर माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और प्लस माइनस है तो फिर माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये जानते हो आप। अब यहाँ पर देखो कि ये सूत्र है, अगर इसमें अगर यहाँ पर कह देता कि एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, ठीक है 10% बढ़ी मान लिया, अगर यहाँ पर कह देता कि फिर जो है पुनः 20% घट गई, तो घट गई यानी दूसरी वाली जो आयु है वो घट गई, तो यहाँ पर जो है माइनस कर देते हैं, ठीक है घट गई, तो इस प्रकार कुल आय में कितनी वृद्धि हुई, तो ऐसे सवाल लगाएंगे। खैर हमने यहाँ पर बढ़ी है दोनों जगह, तो हमने देखा कितनी बढ़ी है, पहले में 10% बढ़ी है, दूसरे में कितनी बढ़ी है 20% बढ़ी है, हमने लिख दिया, और फिर प्रथम वाली फिर से हमने यहीं पर रख दी, और द्वितीय परसेंट में फिर से हमने वही गुणा कर दिया, ठीक है, नीचे 100 का गुणा कर दिया, 0 से 0 0 से 0 यानी 2 एकन, यहाँ पर पूरे में 2 आ जाएगा इतने में, तो यहाँ पर जब 2 आ गया तो 10 और 20 30 होते हैं, 30 प्लस 2 यानी 32 32% यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। बस बढ़ी और घटी का चिन्ह का जरूर इस्तेमाल होगा, जैसे दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन है, दूसरे क्वेश्चन में परिवर्तन ये है दोस्तों कि एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, ठीक है बढ़ी की बात कर रहा है यानी प्लस आएगा, बाद में 10% घट गई, दूसरी वाली घट गई, इसी प्रकार मजदूरी में कितने परसेंट परिवर्तन हुआ। हमको याद करना है, हमको वही सूत्र याद करना है, पहला परसेंट प्लस सेकेंड परसेंट प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड अपॉन 100 जो ऊपर लिखाया है। लेकिन अगर कहा पहली बढ़ गई, ठीक है प्लस में ही रहेगी, दूसरी घट गई तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो भैया दूसरी घट गई यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी वही माइनस चिन्ह आ जाएगा। जैसे प्रथम बढ़ी दूसरी घट गई, तो हमने कहा कि भैया जब घट गई थी तो इसका भी माइनस माइनस में होगा, तो माइनस प्लस क्या होते हैं गुणा होके, तो यहाँ पर भी माइनस आ जाता है। तो इसलिए हमने देखा कि 20 हमने यहाँ पर रख ली, माइनस 10 और रख लिया, 20 गुणे 10 रख लिया, 0 से 0 0 से 0, 20 से 10 किया 10 और माइनस ये वाला 2 वैल्यू आया था, तो 8% की वृद्धि हुई। वृद्धि इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पर प्लस में वैल्यू आ रही है, ठीक है वृद्धि हो गई। ठीक है सर आपने कह दिया, समझा दिया, लेकिन एक सवाल और सर समझा दो। तो एक सवाल ये है कि ये वाला सवाल बहुत गजब का है, इसमें भी भैया अलग कॉन्सेप्ट है। इसमें अलग कॉन्सेप्ट ये है कि मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया, फिर 5% घटाया। मैंने कहा घटा दिया तो कहीं पे घटाने का मतलब है कि उसको माइनस कर दो। अब वही वाला सूत्र होता है, ये वाला सूत्र हमने पढ़ा था। आपने कहा सर इससे क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इससे यहाँ पर बढ़ा हुआ आएगा, ठीक है। अगर एक बढ़ा है
एक घटा है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। अगर दोनों घटे हैं तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो यहाँ फिर प्लस आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, पहले बोला है कि घटी है, दूसरे में भी घटी है, तो हमने देखा कि पहले में घटी है, दूसरे में भी घटी है, तो जब पहले घटी दूसरे घटी तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है यहाँ पर बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर पहले में 15 घटी थी, दूसरे में 5 घटी है, यहाँ पर प्लस तो हो ही गया, और 15 75 होता है तो यहाँ रख दिया, और 100 100 और 15 5 20 होता है, क्योंकि भाई 15 माइनस का है, 5 भी माइनस का है, इसलिए जुड़ के माइनस के 20 हो जाएंगे, याद रखना। इनको जब सॉल्व किया 25 75 25 26 100 83/4 आए, 19 सही 1/4% यहाँ पर आंसर हो जाएगा, समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट का मतलब है सिंपल सा कॉन्सेप्ट, कैसा है, पहले वाला जैसे कॉन्सेप्ट कि एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है, अगर ठगने की बात आया तो भी प्लस, बेचते समय 5% ठगता है तो भी भैया प्लस, इस प्रकार उसे कुल कितना परसेंट लाभ हुआ। देखिएगा ऑप्शन है, ऑप्शन वीडियो को रोक के आप जरा ट्राई करो, भैया यहाँ पर प्लस प्लस है तो प्लस प्लस जो पहला सवाल बताया था वैसे ही लग जाएगा। हमने कहा कि 10% ठगता है तो 10 रख दिया पहले के परसेंट, 5% ठगता है दोबारा मैं 5 रख दिया, और दोनों का गुणा कर दिया 100 कर दिया, 50 दूनी यानी 15 सही 1/5, ऑप्शन नंबर सी में ये दिया गया है, समझ रहे। अब कॉन्सेप्ट नंबर 4 पर चलते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 4 पर यह है कि किसी संख्या का 16% 48 है तो वह संख्या क्या होगी। दोस्तों यहाँ पर वीडियो अच्छी लग रही हो, जल्दी है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा वीडियो रोक रोक कर स्लो स्लो करके पढ़ लो, क्योंकि जो चीज़ रफ में आप करते हो वो चीज़ दिमाग में सेट हो जाती है। किसी संख्या का 16% 48 है तो वह संख्या क्या होगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि सर अगर नए हैं तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा प्लीज़, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर केवल आपके अध्यापक बनने तक का ही सफ़र जुड़ा हुआ है, और हम चाहते हैं आप एक भविष्य के बेहतर अध्यापक बने। देखिएगा यहाँ पर किसी संख्या का 16% 48 है तो वह संख्या क्या है। दो विधि बता देता हूँ। अच्छा, इसकी दो विधि ये है कि पहली विधि में बहुत सिंपल है, यक्ष मान के, दूसरी विधि बिना यक्ष की है। किसी संख्या के यक्ष संख्या का मतलब होता है गुणा, 16% 16% परसेंट हटाया 100 लगाया, बराबर कितना है 48 है, तो बोला 48 है, ठीक है आपने कह दिया 48, तो ये 100 उधर चला जाएगा, 48 × 100 हो गया, और यक्ष बराबर अगर 48 हमने देखा नीचे 100 होती है 48, तो यक्ष बराबर 300 आ जाएगा इसका क्वेश्चन का आंसर, ठीक है 300 आंसर आ गया। आप कहोगे आपने एक चीज़ बताओ, आप एक चीज़ बताओ, यहाँ पर दिया है किसी संख्या का 16% कितना दिया है, 16% को दिया है 48, ठीक है, तो 1% कितना होगा, 1% होगा 48/16, 16 × 48 3 आ जाएगा, 1 की वैल्यू, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 अपने आप आ जाएगी, ठीक है। ये दूसरा मेथड, नहीं समझ में आया तो देखिएगा, 16% की वैल्यू दी थी 48, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 16 × 48 यानी 1 की वैल्यू 3 है, हमेशा परसेंट 100 में लेते हैं तो 100 की वैल्यू 300 हो जाएगी, क्योंकि भैया 1 = 3 था, 100 × 3 = क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा, तो यही हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है समझ में आया। वीडियो को समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। देखो सिंपल सा है, अब हम दूसरे वाले कॉन्सेप्ट से चलेंगे। किसी संख्या 17% की जो वैल्यू है वो 68 है तो वह संख्या बताओ। संख्या बताने का मतलब है कि अगर 17% की वैल्यू अगर 68 दी है तो 1 की वैल्यू 17 × 68, तो भैया 100 की वैल्यू, तो 100 × 4 कर दो, तो भैया कितना आ जाएगा 400, वही आंसर है। देखो 17 × 68 भैया कैसे आया, 1 की वैल्यू, 1 की वैल्यू ऐसे आई 68/4 17 17 × 68, तो ये 4 लिखा है, और 100 की वैल्यू क्योंकि हमें 100 की निकालनी है तो हमारा 400 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट लेते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट जो है, जो कॉन्सेप्ट नंबर 5वां है। कॉन्सेप्ट नंबर 5वां ये है कि किसी संख्या का 12% 72 है। मैंने कहा किसी संख्या का 12% 72 है, मैं यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आपको दो तरीके से समझा रहा हूँ, कि पहले तो मैंने देखा कि यक्स गुणे 12% 100 कर दिया, जो दिया है 72 है, तो भैया यक्स कोई संख्या हमने यक्स मानी थी, का 12% का मतलब गुणा 12% परसेंट हटाया 100 लगाया का 72 है, बराबर 72 कर दिया, तो उस संख्या का 44% कितना होगा। तो जब हमने यहाँ पर यक्स की वैल्यू निकाली, 12 × 72 = 600, अब हमें यक्स बराबर जब 600 मिल गया तो हमें निकालना है 44%, तो हमने निकाल दिया कि 600 का 44% क्या होता है, 44% हटाया यहाँ से तो हमने 100 लगा दिया, 0000 6 × 44 में किया 264 आ गया। आपको सर समझ में आ तो गया है, लेकिन ये बेसिक था, लेकिन ट्रिक बता दीजिएगा, हमने ट्रिक बताई थी आपको अभी ऊपर में कि 12 की वैल्यू 72 है, 12% 72 है, तो 12 = 72 1 = 6 दिया है, तो 44 = 44 × 6, क्योंकि पहले हम 100
परसेंट में निकालते थे, लेकिन अब की बार बोला है 44% की। बता दो, पहले बोला था कि भैया संख्या का मान निकालो, पहले 100% में निकालते थे, लेकिन अभी नहीं, अभी 44 की वैल्यू निकालनी है, इसलिए 44 में गुणे 6 कर देंगे, 264 आ जाएगा। डाउट हो, कोई दिक्कत हो, नीचे कमेंट करें, वैसे आपको समझा दिया जाएगा। आप ये मत करो कि मतलब थोड़ी सी मेहनत ना करो, दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस कॉपी पेन अगर नहीं भी समझ में आता, 2-3 बार ऐसे ही उतारिएगा, देख देख के अपने आप से समझ में आ जाएगा हर चीज़। मतलब वो चीज़ लेवल नहीं करना चाहता जो आपके लिए टफ हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 6 है हमारा ये कि किसी कक्षा में 75% विद्यार्थी पास हुए। कॉन्सेप्ट नंबर 7 और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है किसी कक्षा में 75% विद्यार्थी पास हुए हैं, यदि फेल होने वाले छात्र जो है 150 हैं, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि कक्षा में अगर 75% विद्यार्थी पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे। दिमाग लगाओ, फेल हमने कहा हर चीज़ प्रतिशत में 100% पर लेते हैं। 100% पर लेने का मतलब है कि 100% में अगर 75% पास हुए हैं तो 25% फेल हुए होंगे। अब यहाँ पर दिया है कि यदि फेल होने वाले छात्र 150 हैं, याद रखना यदि फेल होने वाले छात्र 150 हैं तो हम क्या करेंगे भाई, फेल की वैल्यू कितनी थी 25, तो भाई क्वेश्चन के हिसाब से 25 है, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या है 150, तो हमने रख दिया 25 की वैल्यू 150, तो 1 की वैल्यू भाई 25 की वैल्यू हमने देखा 150 है, तो भाई ये बताओ कि 1 की वैल्यू क्या होगी, तो 150 बटे 25, 25 छंगा क्या होते हैं 150, तो 1 की वैल्यू अगर 6 है तो 100 में हमेशा चीज़ निकालते हैं तो वो हो जाएगी 600। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो एक बार और सुनिएगा। अगर 75% पास हुए थे, 25% फेल हुए, आपने ये 25% अपने हिसाब से निकाला है, क्योंकि अगर यहाँ पर बोलता 80% फेल पास हुए तो आप कहते अपने आप 20% फेल हुए हैं। आपको सवाल में दिया है कि जो फेल छात्र हैं वो 150 हैं, तो आपने ये देखा कि हमारे हिसाब से 25% है फेल, लेकिन सवाल के हिसाब से दिया है 150%, तो यहाँ पर 1 की वैल्यू क्या होगी 25 छंगे 150, तो आप 100 की वैल्यू क्या होगी, तो 100 में गुणा कर देंगे 600 आ जाएगा, समझ रहे। लेकिन अगर आप कहोगे सर यहाँ पे ही ये 25 बराबर 150 क्यों रखा, यहाँ इसके बराबर क्यों नहीं कर देते, अगर क्वेश्चन में ये कहता यदि पास होने वाले छात्र 150 हैं तो फिर हम करते 150 यहाँ पर 75 बराबर 150, तब हम यहाँ से निकालते। अभी बोला है फेल यहाँ से, तो हमने यहाँ से फेल निकाल लिया। याद रखना जो सवाल में दिया हो बस उतना ही करना है। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये देखिएगा, यदि कोई भिन्न के अंश में 15% वृद्धि कर दी जाए, हर में 8% कमी कर दी जाए। मैं फिर से कह रहा हूँ, यदि कोई भिन्न में अंश में 15% की अगर वृद्धि कर दी जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, तथा हर में 8% की डिक्रीजिंग यानी कमी कर दी जाए, तो क्या प्राप्त होता है, 15/16 प्राप्त होता है। 1 सेकेंड का सवाल है बिना पेन के। कैसे, मूल भिन्न बता दीजिए आप। आपको ये पता होगा कि अगर हम x बटे y लिखते हैं तो ये वाला अंश हो जाता है, ये हर हो जाता है। क्या बोले, ये अंश ऊपर वाला, ये हर हो जाता है, ठीक है, इतना तो आता है। बोले कि भाई ये बता दो कि ऊपर वाले की वैल्यू जो है एक 15% अगर हम वृद्धि कर दें तो हमें क्या मिलता है, 15 मिलता है, और नीचे 8% की कमी कर दें तो 16 मिलता है। ये नहीं कहा है, लेकिन ये जरूर कहा है कि दोनों की अगर कमी और वृद्धि कर दिया जाए तो 15/16 मिलता है। तो आपको क्या करना है कि ऊपर 115 हो जाएगा, क्योंकि हर चीज़ 100 में होती है, नीचे भी 100 में होती है, अंश भी 100, हर भी 100। तो अगर हमने अंश को बढ़ाया तो कितना हो गया 115, और हर को 8% घटाया तो कितना हो गया 92। इतना समझ में आया, 8 अगर यहाँ पर 8 बढ़ा देते तो 108 हो जाता, समझ रहे। तो हर चीज़ 100 में लेंगे, अंश भी 100, हर में भी 100, तो ऊपर अंश बढ़ा दिया 115, हर घटा दिया 192, ठीक है ना। अब यहाँ पर बोला है, अब ध्यान देना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमने क्या करना है, हमने जो प्राप्त हो रहा है 15/16 जो सवाल में दिया है, ये वाला 15/16 जो प्राप्त हो रहा है मैंने वैसा लिखा, और बस जो हमें करना था हमने क्या करा, हर ऊपर कर दिया और अंश नीचे कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया। 5 × 15, 5 × 2 = 10, 5 × 15 23 × 92, और यहाँ पर हो जाएगा 4 × 16 यानी 3/4। आप इसको तो सॉल्व कर ही सकते हो, इसको तो सॉल्व कर ही सकते हो भैया। बस इतना ध्यान रखना कि जो प्राप्त होता है, जो सवाल में दिया है, जो सवाल में प्राप्त होता है, उसको लिख लीजिएगा पहले, समझ रहे ना, उसको लिख लीजिएगा और बस अंश हर को ऊपर पलट दीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा किसी तरीके से काट के, 3/4 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों कॉन्सेप्ट नंबर आपका 7 था ये यहाँ पर।
अब यहाँ पर बिल्कुल खत्म हो गया है कॉन्सेप्ट। अब दूसरी चीज़ बता दें, अगर आपको वीडियो लगा है तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों को जरूर शेयर करना भूलिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोगों के मुंह से ये तो पता चले कि हाँ सर यूपी टेट में जो बच्चे कमजोर थे मैथ में उनके लिए कुछ अच्छी पहल करी जा रही है। पूरे यूट्यूब की बात करता हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, पूरे यूट्यूब से अच्छा कॉन्टेंट कहीं नहीं मिलने वाला है। गुरु जी वर्ल्ड पर पूरा ट्रिक ही पढ़ाया गया है और आप देखेंगे 1000 क्वेश्चन का टारगेट है हमारे पास और हम ये कराएंगे और इसके साथ ही साथ हर चैप्टर भी कराएंगे। रोज़ आपको दूसरे दिन टेस्ट होता है। देखिए कितनी जो वीडियो है लोगों को पसंद आ रही, 1-1 लाख लोग 1-1 दिन में देख लेते हैं इस वीडियो को, आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर जो है हर वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। खैर मैं नीचे लिंक दे दूंगा कमेंट में, जहाँ पर आप कमेंट करते हैं वहाँ पर लिंक मिल जाएगा आपको हर चीज़ का। दोस्तों यहाँ पर वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं और आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम चाहते हैं नेक्स्ट पार्ट आपका थोड़ी देर में अपलोड करें। जय हिंद, जय भारत।